इससे पहले कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं, जो आने वाले असातिज़ा किराम हैं अल्हम्दुलिल्लाह शेख बुशहर मोमिनाबाद के हो या अतराफ वंगनाब के हो, अल्हम्दुलिल्लाह उनका मैं तहदिल से इस्तकबाल करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर जो इतवार का दिन छुट्टी का दिन होता है इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह आपने जिस तरीके से हम स्कूल में रहकर हमारे आने वाली नई नस्लों के लिए उनको उनका सोचते हैं, उनका मुस्तकबिल संवारने की फिक्र करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझ रहा हूँ और हम उसकी फिक्र भी करते हैं कि जिस तरीके से हम दुनिया के एतबार से आने वाली नस्लों की फिक्र करते हैं कि इनका मुस्तकबिल संवर जाए, ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह आप सब भी इस बात की भी फिक्र करते हैं कि ईमान के ताल्लुक से और खत्म नबूवत के ताल्लुक से और तहफ्फुज़ खत्म नबूवत के ताल्लुक से आप अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह फिक्रमंद रहे हैं। आपका यहाँ आना, तशरीफ लाना, बैठना इस बात की अलामत है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सब इस काम के अंदर अकीदा खत्म नबूवत के ताल्लुक से हम सब फिक्रमंद है। इस तरह उम्मत की आने वाली नस्लों के लिए उनके मुस्तकबिल को संवारने के लिए हम हमारा मेहनतें करते हैं, कोशिशें करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इसी तरह हम भी आने वाली नस्लों के अंदर तहफ्फुज़ खत्म नबूवत के ताल्लुक से भी इंशाअल्लाह हम मेहनत करेंगे। तो आप लोगों का मैं तहे से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए और खत्म नबूवत के ताल्लुक से आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाल कर इसका हिस्सा बने। अब मैं जो है हमारे मदरसा दारुस्सलाम के तालिबे इल्म ने जो भी नात की नज़्म पढ़ी है तो मैं इस शेर के साथ में अपनी तरह अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। नहीं है और ना होगा बात आका के नबी कोई, नहीं है और ना होगा बात आका के नबी कोई, वो है शाह रसूल खत्म नबूवत उसको कहते हैं, वो है शाह रसूल खत्म नबूवत उसको कहते हैं। लगाकर पुष्ट पर मोहर नबूवत, लगाकर पुष्ट पर मोहर नबूवत हक तआला ने उन्हें आखिर में भेजा है खातमियत उसको कहते हैं। आखिर का जुमला देखना, लगाकर पुष्ट पर मोहर नबूवत हक तआला ने उन्हें आखिर में भेजा खातमियत उसको कहते हैं। जैसा कि आज के हमारे मजलिस तहफ्फुज़ खत्म नबूवत अल्हम्दुलिल्लाह जब भी कोई प्रोग्राम या जलसा मुनाकिद किया जाता है तो उस जलसे को प्रोग्राम को कामयाब और आफियत के साथ में पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए किसी अजीम शख्सियत की सदारत के अंदर उल्लाज़म किसी की सदारत के अंदर काम को पाए तकमील तक पहुंचाने की फिक्र होती है। तो इसके लिए जो लोग अपना कीमती वक्त निकाल कर इसमें लाए हैं और असातिज़ा किराम और पूरे मोमिनाबाद के उलमाए किराम भी, तमाम अतराफ अखनाफ के उलमाए किराम भी आए हैं, तो सबसे पहले हमारे अपनी मजलिस का मैं सदर मुंतखब करता हूँ। आज के हमारे मजलिस के सदर तहफ्फुज़ खत्म नबूवत के सदर महबूबुल उलमा शहर मोमिनाबाद के सदर जमीयतुल उलमा अंबा जोगाई मौलाना अकबर हसन साहब शाती, इनकी सदारत के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आज का हमारा एक प्रोग्राम मुनाकिद किया गया है। इसी तरीके से हमारे पास उलमाए किराम हैं और जो बड़े स्टेट पर तशरीफ फरमाए उनका भी मैं इस्तकबाल करता हूँ। इसी तरह मैं जो है स्टेट पर दावत देना चाहता हूँ मौलाना अख्तर साहब इमाम खतीब बरकत अंबा जोगाई जो स्टेट पर तशरीफ लाए, इस तरह मौलाना अख्तर नाजी मदरसा पिपला, इस तरह मुफ्ती रफत साहब और मौलाना अख्तर साहब इशाती सदर जमीयतुल उलमा अंबा जोगाई। मैं गुजारिश करता हूँ कि मौलाना अख्तर साहब ऊपर तशरीफ लाए और इस तरह मुफ्ती रफत साहब भी स्टेट पर तशरीफ लाए। अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि इन उलमाए किराम ने अपना कीमती वक्त निकालते हुए अपनी मसरूफियत को आगे पीछे करते हुए और अपने काम काज को आगे पीछे करते हुए ये शहर शोलापुर से हमारे शहर शोलापुर से तशरीफ लाए अपना कीमती वक्त निकाल कर और ये हमारे सामने खत्म नबूवत के रुबान पर कुछ बातें कुछ अहमियत की इफादियत की करेंगे। इससे पहले मैं हाफिज़ रियाज़ साहब इनको भी दावत देता हूँ कि वो भी स्टेज पर तशरीफ लाए। मैं जो है आने वाले मेहमान का इस्तकबाल करना चाहता हूँ अपनी तरफ से और मोमिनाबाद की तरफ से और अतराफ अकनाफ के जितने भी देहात हैं यहाँ के उलमा हुफ़ाज़ असातिज़ा किराम इन सब की तरफ से मैं आने वाले उलमा किराम शोलापुर से इनका इस्तकबाल करना चाहता हूँ।
इस शेर के साथ में हर गली अच्छी लगी, हर एक शहर अच्छा लगा। हर गली अच्छी लगी, हर एक शहर अच्छा लगा। वो जो आए शहर में तो शहर अच्छा लगा। तो मैं सबसे पहले सवाल करना चाहता हूँ मौलाना इब्राहिम साहब, मौलाना इब्राहिम साहब जो सदर जमीयतुल उलमा शोलापुर के हैं, यानी शोलापुर की जमीयत वहाँ के सदर भी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये जनरल सेक्रेटरी दीनी तालीमी बोर्ड महाराष्ट्र, दीनी तालीमी बोर्ड महाराष्ट्र के भी अल्हम्दुलिल्लाह ये सदर हैं। और इसी तरीके से ये शेखुल हदीस दारुल सोनोरी यहाँ के भी शेखुल हदीस है। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी सारी मसरूफियात के बावजूद भी तहफ्फुज़े खत्मे नबुव्वत के उन्वान पर अपना वक्त निकाला और हमें भी बेदार करने के लिए भी तशरीफ लाए हैं कि हम भी अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ शामिल रहे। मैं इनका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ और इनके इस्तकबाल के लिए मैं दावत देता हूँ मौलाना हसन अकबर साहब इशाती कि ये सदर जमीयतुल उलमा मौलाना इब्राहिम साहब का इस्तकबाल करें। माशाल्लाह इन तमाम उलमाए कराम के आमद को और हमारे अपने शहर के अंदर आमद को कबूल फरमाए और हमारे अंदर भी वो बेदारी नसीब फरमाए। जो लोग बेदारी को लेकर और अकीदा खत्मे नबुव्वत के ताल्लुक से चल रहे हैं हमारे अंदर भी वो बेदारी नसीब फरमाए। इसी तरह मुफ्ती मोहसिन साहब जो शोलापुर के हैं, ये नायब सदर तहफ्फुज़े खत्मे नबुव्वत हैं, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह खाजानियत जो सर उठा रहा है तो खादिनियत के खिलाफ काम करने वाले और वक्त के एतबार से अल्हम्दुलिल्लाह उनका नाम निशान मिटाने वाले और वह भला कुमार करने वाले अल्हम्दुलिल्लाह ये मुफ्ती मोहसिन साहब है। जहाँ वो जब भी अपनी जड़ें मजबूत करना चाह रहे थे उन्होंने वक्त पर अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जड़ों को खोखला करने की कोशिशें की है और उसकी तरफ भरपूर मेहनत की है। अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती मोहसिन साहब शोलापुर ये नायब सदर तहफ्फुज़े खत्मे नबुव्वत के हैं, तो इनके इस्तकबाल करने के लिए हाफिज नौशाद साहब को दावत देता हूँ कि वो जो है मुफ्ती मोहसिन साहब शोलापुर का इस्तकबाल करें। इस तरह मौलाना अब्दुल रहीम साहब सदर मजलिस तहफ्फुज़े खत्मे नबुव्वत अल्हम्दुलिल्लाह इनका इस्तकबाल करने के लिए मैं दावत देता हूँ हाफिज अब्दुल रहीम साहब। इसके बाद हाफिज अय्यूब साहब नाज़िमे मदरसा उम्मे सलमा तालीम और बना इनका इस्तकबाल करने के लिए मैं दावत देता हूँ मौलाना साजिद साहब। अब मैं बिला तमहीद किसी चीज के हमारे मजलिस के प्रोग्राम को शुरू करने के लिए और हमारे अंदर तहफ्फुज़े खत्मे नबुव्वत की अहमियत पर रोशनी डालने के लिए मैं सबसे पहले दावत देता हूँ मुफ्ती मोहसिन साहब नायब सदर तहफ्फुज़े खत्मे नबुव्वत शोलापुर के आए और हमारे सामने तहफ्फुज़े खत्मे नबुव्वत की अहमियत पर रोशनी डाली।